पठान फिल्म तो यार हर रोज नए नए झंडे गाड़ रही है, कई सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है और खुद के रिकॉर्ड बना रही है, खुद के ही रिकॉर्ड दूसरे दिन तोड़ रही है। कौन कौन से रिकॉर्ड आपके साथ शेयर करे, क्या क्या आपके साथ शेयर करे, पता ही नहीं चल रहा है। ओवरसीज से टोटल कितना कलेक्शन आया है और हिंदी लैंग्वेज में 300 करोड़ तक पहुँचने में किन किन फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, उसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, फास्टेस्ट हिंदी फिल्म टू रीच डोमेस्टिक 3000 करोड़ नेट की बात कर रहा हूँ, यानी कि 300 करोड़ नेट कलेक्शन करने में फास्टेस्ट हिंदी फिल्म कौन कौन सी थी। तो दंगल को 13 दिन लगे थे 300 करोड़ नेट तक पहुँचने में, KGF चैप्टर 2 को 11 दिन लगे थे, बाहुबली 2 को 10 दिन लगे थे, लेकिन पठान ने ये कारनामा सिर्फ और सिर्फ 7 दिन में कर दिया है। 7 दिन में पठान ने हिंदी नेट में 300 करोड़ का कलेक्शन कर दिया है, यानी कि KGF चैप्टर 2, बाहुबली 2 और दंगल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब बात करते हैं ओवरसीज से क्या हाल है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 207 करोड़ ओवरसीज से आए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में। कहाँ कहाँ से है? UAE, नॉर्थ अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, मलेशिया, नेपाल, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और सऊदी अरेबिया। 207 करोड़ रुपए इन देशों से आए हैं सिर्फ और सिर्फ 5 दिनों के अंदर। तो अब सोचिए किन किन तरह का रिकॉर्ड पठान बना रही है, क्या क्या रिकॉर्ड तोड़ रही है, किस टाइप का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हर रोज हो रहा है। 20-20 करोड़ का तो एडवांस बुकिंग वर्किंग डे में पठान को मिल रहा है। फिर आपको क्या लगता है कितना लाइफ टाइम कलेक्शन हिंदी नेट आ सकता है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। धन्यवाद।